लेकिन दूसरों के अहकामात ले लिए जो अल्लाह के हुक्म से टकराते हैं, लेकिन आप कहें कि नहीं लेंगे साहब चाहे टकराएं, तो फिर ये शिर्क है। वो तो शरीक ही नहीं करता अपने हुक्म के अंदर किसी को। दिए गए मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके यहाँ पानी की टंकी लगी 1000 लीटर की, और उसके अंदर एक आदमी आया, उसने कहा एक बूंद पेशाब का एक ड्रॉप लिया और उसमें डाल दिया, अब वो क्या, अब इसको इस्तेमाल करो, इससे वुजू बना लो, इसको पानी पी लो, एक बूंद तो है, हम नहीं पियेंगे, हम नहीं नहाएंगे, हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, पूरी टंकी खाली करवाएंगे, 2-3 बार धुलवाएंगे, सर्फ से धुलवाएंगे, अरे एक बूंद से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, लेप टेस्ट करवा लो उसमें पता चल जाएगा कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी नहीं कराएंगे, नहीं 2-3 बार धो, एक बूंद तो डाला था ना। जब हमारे लिए हम ये पसंद करते हैं तो उस रब के हुक्म में, चाहे कोई हो दुनिया का, किसी ने भी कहा हो, किसी के भी ताल्लुक से आ रहा हो, जिसने भी कहा हो, और एक बात भी उसके हुक्म से टकरा जाती है, वो पसंद नहीं करेगा, शिर्क है, उसको इतनी प्योरिटी चाहिए।